यहाँ सहरी के लिए हम उड़ गए हैं और ये हमारा बच्चा सो रहा है। ये अम्मा सुबह सुबह बीमार हो गई हैं, ये कॉन्जेशन साइड दिखाओ, ऊपर करो। इसीलिए आज कोई इंट्रोडक्टरी सहरी टू व्लॉग नहीं होगा, आज हम बीमार हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। पिछले एक हफ्ते में मुझे तीसरा इंजेक्शन लगा एंड आई वॉज द पर्सन जो पेन किलर्स तक नहीं खाती, मतलब पेन इतना मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरा सर इतना दर्द कर रहा था, इधर से पूरा पीछे से, और ये दाढ़ों में भी मेरा अभी फ़िलहाल ना एक डेंटल इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से दाढ़ें दर्द करती हैं। लेकिन जब साइनस का पेन होता है मेरे सर में तो वो कानों में जाता है, दाढ़ों में, जॉस पूरे दर्द करते हैं, बहुत बुरा हशर हो जाता है। तो ये अभी पिछले दिनों भी मुझे हुआ था एक बार, फिर मैंने इंजेक्शन तब लगवाया और अभी फिर हुआ है, अभी फिर से मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा सुकून आया, क्योंकि रोज़ा मुझे रखना था और आज था भी फ्राइडे, शुक्र है मैंने रख लिया, वरना सब मुझे कह रहे थे कि देख लो तबीयत। तो खैर बस अभी इंजेक्शन लगवा के सहरी की और अभी वज़ू वगैरह किया। आज शहरी मुझसे पहले फारिग हो गए थे तो इन्होंने मेरी जायनमाज़ बिछा दिए। दिस इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने मेरी जायनमाज़ बिछाई है, वरना मैं हमेशा इनको छेड़ती थी कि मैं आपकी बिछाती हूँ और आप मेरी नहीं बिछाते। हाय गाइस, तो मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, तो आई जस्ट वोक अप, मतलब मैं जाग ही रही थी फजर के बाद से, वो इरफान ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। बट आज ये था कि मैंने उसको फ्रेश नहीं होने दिया, कल हमने ये किया था कि उसको लेके गए थे कॉट में डाल के, पर कॉट में ही ऊपर लाए, तो आज हम ऐसे ही उठा के लेके गए उसे और ऐसे ही लटा दिया नीचे, और वापस ला के ऐसे ही लटा दिया और बस दूध पिला दिया। तो वो फ्रेश नहीं हुई, उसको मैंने डायपर शायपर भी चेंज नहीं किया ताकि वो फ्रेश ना हो, तो बस ये उठती थी, दूध पीती थी, हर आधे पौने घंटे में उठ रही थी, ऐसे बार बार आवाज़ें निकाल रही थी, बस मैं इग्नोर कर रही थी, दूध पिला रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। तो सेम हैपन 11 बजे तक, फिर बच्ची आई तो मैंने उसको दिया एंड फिर उसके बाद मैं सोई थोड़ा सही से, एंड नाउ इट्स 12:30 और आज जुम्मा है, तो मैंने सोचा है कि बस अब अबीफा सो रही है, मैंने सोचा था मैं उसको पहले नहला के फिर खुद करती हूँ, अब लेकिन वो सो रही है तो मैं अब खुद नहाने लगी हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह देखेंगे, या इफा अगर उठ गई तो पहले उसको नहला धुला के फिर नमाज़ कुरान पाक वगैरह करेंगे। आई वॉन्ट वाइट, तो मैं इफा के भी वाइट के कपड़े निकालने लगी हूँ, आई थिंक इफा निकाल लेते हैं दिस वन, और मौसम थोड़ा ठंडा है तो साथ टाइट्स बना देंगे, वाइट टाइट्स। ये कौन है? इसने डायपर नहीं लगाया हुआ, इसने डायपर क्यों नहीं लगाया हुआ, गंदा बच्चा, ये मम्मा की जान है। चलो नाई करे हैंडी दे मम्मा को, मम्मा का हैंडी ले लो, सोना वीडियो बनाए सारी जान में अपनी पार्टी का है, पापा इफु जान इफु बाबा लोग कहेंगे ये हर वक्त ब्लूश वाक। आई एम वेयरिंग वाइट, इसलिए मैंने इफा को भी वाइट पहना दिया, बाहर पोछे टंगे हुए नजर आ रहे होंगे आपको विंडो खुली हुई है। खैर अम्मी जान को भूख लगी थी, इसको सोना भी है। गाइस ये इस तरह से इफू अपने नेल्स कटवाती है, मिठू है, ये हाथ पकड़ने ही नहीं देती है, इतने बड़े बड़े नेल्स हैं इसके, ये देखिए, और ये मैंने अपना उस्मान छोड़ा हुआ है इसके लिए, बातें करवा लो इससे धूप अब कैसे काटूं इस हाथ के, इफा जान ये
दूध नहीं पीना, हाथ खाना है। अब मम्मा का बाजू आ गया है, वो खाने लग गई। मैं बहुत पागल हुआ, नींद करके नहीं दी मम्मा ने। इफा जूस है मम्मा के। इफा तुमने बाज नहीं आना। इफू बाबा, इफू बाबा, हेलो इफू बाबा, इफू बाबा क्या होता है? इफू बाबा पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इफू बता दो। इफा हैंड दे दो, बस लास्ट रह गया। इसके नेल्स भी बड़े बड़े हैं, फुल। इधर दे, इधर। अब जानी, इफा की मम्मा स्लीपी मम्मा एंड इफा, इफा। I have gotten up, woke up तो नहीं मैं कह सकती because I haven't slept, मैं सो नहीं पा रही हूँ। रात को वैसे नहीं सो पाती हूँ जब तक मेरी आँख लगने वाली होती है, कोई डेढ़ दो बजे तक इफा उठ जाती है, उसको दूध चाहिए होता है। खैर उसको देख के फिर दोबारा सोने लगती हूँ, सहरी का टाइम हो जाता है तो रात भी नहीं सो पा रही। फिर फजर के बाद तो इफा कंटिन्यूसली सोने ही नहीं देती है, तो कंटिन्यूस नींद हो ही नहीं पा रही। 10 मिनट सोती हूँ, फिर आँख खुलती है, फिर उसको देखती हूँ ऐसे करके। और अभी दोपहर थोड़ा सोने की कोशिश की 4 बजे के, चलो 1 घंटा सो जाऊँ, दोपहर सो ही नहीं पाई मैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, फिर नीचे जाके इफ्तार की तैयारी करनी है। इनको देखें, इनको अपना ये वाला कुर्ता पहनना था और के वापस ब्लू वाला पहन के हेड गए। शेरी वाई सो एब्सेंट माइंडेड, जब इतना सोएंगे ना यही होगा आपका। ओके गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे इफ्तार की तैयारी करने, बाय। मैं शेरी भी हंस रही थी, ये ना आई एम ऑल्सो सो एब्सेंट माइंडेड, अभी नीचे जाते जाते वापस आई हूँ। मैं छूती वही पहन के जा रही थी। दोनों का दिमाग खराब है। Smoothies already frosted. Roasted. Peek-a-boo. Peek-a-boo. I love you. I love you. Ifu Baba. Ifu Baba. Thank you. दुआ मांग रहे हैं, फिर आसमान देख रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं। भी है मेरे पास। आई लाइफ खा जाए सबको। मम्मा की व्लॉग इफा नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। स्क्रिप्टेड नहीं है वो, इफा स्क्रिप्टेड नहीं है, प्लीज देख लो। चिकी 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 चिकी, देखिए कौन है ये बेबी। शीशा बड़े शौक से देख दिए, इसमें भी देख लिया करें। मेरे बचपन में दर्द होता था दांतों में, पता नहीं फिर छिड़ गया कभी दर्द। मैंने अपना सैंडविच रखा है, पर रोई जा रही है, रोई जा रही है। नहीं नहीं नीचे वीडियो देख रही है अम्मा। देख रही हूँ, सैंडविच खाना है।
इसका जो अलार्म बजता है ना उसका जिंदा का किफा का अलार्म बजा तो फिर जिंदा ने अपने सैंडविच बीच में छोड़ दिए। अगर कुछ मटेरियल बचा है तो मैं सहरी में खा लूँ। कैसी भी कैसी भी फाइनली गोइंग टू हैव माय सैंडविचेस बिकॉज़ इफ आई स्लेप्ट उसको सुलाया है मैंने और अब मुझे खाना खाने का टाइम मिला। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ केचप दैट आई एम गोना हैव और हो सकता है मैं इसके बाद और डालूँ बिकॉज मैं बहुत केचप खाती हूँ। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दीज आर चिकन टिक्का ग्रिल्ड सैंडविचेस। अभी मैं इतना सैंडविच बचा हुआ है और केचप मैंने ख़त्म कर दिया।